नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा दूसरा वीडियो है ऑटोबायोग्राफी के बारे में। ऑटोबायोग्राफी पे हम पहला वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने 10 ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात की थी, जो इंडिया से और विश्व में कहीं से भी जो अच्छी पर्सनैलिटीज हैं उनसे ऑटोबायोग्राफी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, ऐसा ही दो वीडियो और लेकर आएंगे। कुल मिलाकर 40 ऑटोबायोग्राफी और उनके राइटर्स के नेम अगर याद कर लिए जाएं तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो एग्जाम में ना बन सके ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीजा, जो कि लिखी है B.R. अंबेडकर। अंबेडकर जी जिन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत प्रयास किए और उसे ख़त्म भी करा दिया, तो जो अनटचेबिलिटी है उसी के संबंध में उन्होंने वेटिंग फॉर अ वीजा लिखी। ये करीब 36 या 26 पेज की ऑटोबायोग्राफी है जो इनकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखी गई। ठीक है, ये हैंड राइटिंग में लिखी गई। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसे पढ़ाया भी जाता है एज अ टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किस भारतीय नेता की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ाया जाता है, वो B.R. अंबेडकर की, जिसका नाम क्या, वेटिंग फॉर अ वीजा। याद रखना एकदम सिंपल है, वेटिंग फॉर अ वीजा, वीजा के लिए वेट करना, इसका मतलब जो अनटचेबिलिटी है उसके कारण उन्हें हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ रहा था, हर काम उनका वेट में हो रहा था। अब सबसे बाद में उन्हें सबसे पीछे रखा जाता था क्योंकि वो छोटे तबके से आते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्ले इट माई वे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई प्ले इट माई वे इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इससे तो आप खुद समझ ही गए होंगे, प्लेट माई वे वो अपने ही तरीके से खेलते हैं, किसी और तरीके से नहीं खेलते। इसको लर्न करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक बार सुनते ही आपको ध्यान रहेगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है, जिन्होंने 1983 में हम इंडिया को सबसे पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन हैं इंडियन टीम के, कपिल देव, जिन्होंने स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट इनका भी लर्न कर ही सकते हैं। स्ट्रेट यानी ऐसा सोच सकते हैं स्ट्रेट पे ज़्यादा सिक्सर मारते हैं, और वो जो स्ट्रेट पे जितने भी सिक्सर मारते हैं वो कैसे होते हैं, इनके हार्ट से निकल कर आते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट पर सिक्सर कौन मारते हैं हार्ट से, मास्टर ब्लास्टर नहीं मारते, कपिल देव मारते हैं। मास्टर ब्लास्टर क्या करते हैं, प्लेट माय वे वो अपने तरीके से खेलते हैं। नेक्स्ट बात करें कहते हैं वाई सॉकर मैटर, जो कि पेले ने लिखी है, एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं पेले, इन्होंने लिखा वाई सॉकर मैटर, पेले फुटबॉलर हैं और उन्होंने सॉकर के ऊपर लिखा, ये आसानी से याद किया जा सकता है। आगे देखते हैं अर्ली डेज एरोविंग कमीशन, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के बारे में आपने सुना ही होगा, विंस्टन चर्चिल जो यूके के पीएम रह चुके हैं, वो भी टू टाइम्स यूके के पीएम रह चुके हैं। और इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि विंस्टन चर्चिल उस टाइम पे यूके के जो है पीएम थे जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कौन थे, विंस्टन चर्चिल यूके के पीएम थे, और इन्हीं की लीडरशिप में यूके ने वर्ल्ड वॉर टू पे जीत भी हासिल कर ली थी। विंस्टन चर्चिल के बारे में ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो पूछी जाती है, जिसका नाम क्या है, माय अर्ली डेज एरोविंग कमीशन। अब इसको लर्न कैसे करते हैं, माय अर्ली डेज मेरे जो है अर्ली डेज यानी बचपन के दिन, तो बचपन में व्यक्ति कैसा होता है, रोविंग, रोविंग मतलब आवारा। ठीक, तो एक आवारा तरीके के ये थे ऐसा सोच सकते हैं अपन, भले ये ना हो, ये रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो लर्न करने के लिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोविंग कमीशन यूके के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, रोविंग होते हैं बचपन के दिनों में, जबकि इंडियंस कैसे होते हैं, सिंसियरली, ये सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला पीएम बेनजीर भुट्टो, पहली फीमेल पीएम है पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। और पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, ईस्ट में, भारत के जरूर वेस्ट में पड़ता है, लेकिन वर्ल्ड मैप में अगर बात करें तो इंडिया भी ईस्ट में पड़ता है, पाकिस्तान भी ईस्ट में पड़ता है। तो इनने वर्ल्ड के लिए बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो उसमें वर्ल्ड के हिसाब से उन्होंने क्या लिखा, डॉटर ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व की पुत्री। अब बेनजीर भुट्टो के साथ साथ मैं एक फैक्ट और जानना चाहूँगा, आपको बताना भी चाहूँगा कि जो दुनिया की किसी भी देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री है वो कौन है। जी हाँ, दुनिया की किसी भी देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री हैं श्री माओ भंडार नाइके। आप सभी को पता होगा, आई होप, जो कि कहाँ की है, श्री लंका की। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं,
नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी है द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कुछ जानते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं इंडिया के सबसे पहले ऐसे पीएम हैं, सॉरी थे, सबसे ऐसे पीएम थे पहले जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग थे, जो हिंदी नहीं जानते थे, यानी ये साउथ से आने वाले सबसे पहले पीएम थे जो कहाँ से थे, साउथ इंडिया के, ठीक। और सबसे पहले नॉन हिंदी स्पीकर पीएम भी पीवी नरसिम्हा राव थे। इन्हीं के समय में सबसे पहले जो इंडियन इकोनॉमी है उसका खुलेपन का उसमें मोड़ आया, मतलब इंडियन इकोनॉमी में पहले लाइसेंस राज चलता था। लाइसेंस राज यानी हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ जाती थी। इन्होंने क्या किया, लाइसेंस ख़त्म करिए, केवल कुछ ही धंधे ऐसे बनाए, कुछ उद्योग ऐसे बनाए जिन पर लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी सब में लाइसेंस ख़त्म कर दिया। ये लाइसेंस राज को ख़त्म करने वाले पीवी नरसिम्हा राव हैं और ये वहाँ से आते हैं, सबसे पहले नॉन हिंदी स्पीकर पीएम थे। द इनसाइडर इनकी स्टोरी है। इनसाइडर यानी कि ने अपने अंदर की बातें या फिर अपने जो पीएम पद के बारे में जो चीज़ें होती हैं उनको उजागर किया, इसलिए द इनसाइडर में लर्न रखा जा सकता है। आगे बात करेंगे सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है माइन कैम्फ का मतलब होता है माय स्ट्रगल। इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, एक आध रात या दो चार रात इन्हें उस पर भी बितानी पड़ी फुटपाथ पे, भिखारियों की तरह भी इनका जीवन कुछ समय तक गुजरा है। ये बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद उस तरीके के फेमस नाजी लीडर बनी जो कि जर्मनी के थे। एडोल्फ हिटलर के बारे में आप आसानी से लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। आफ्टरनून ऑफ टाइम अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की है। अब हरिवंश राय बच्चन जी को सभी जानते होंगे, हम सिर्फ उनकी ऑटोबायोग्राफी को लर्न रखने की ट्रिक देख लेंगे। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हम सोच सकते हैं, हालांकि इनके पिताजी शूटिंग नहीं कर सकते, लेकिन एचआर बच्चन से आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन जी की वो आती है तस्वीर, और उससे सोच सकते हैं कि ये जो क्या हमेशा नून आफ्टरनून यानी दोपहर के समय क्या करते रहते हैं शूटिंग, यानी धूप में भी शूटिंग वूटिंग होती रहती है आराम से, तो उसको याद रखा जा सकता है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई इससे बेहतर ट्रिक है तो वो डिस्कस भी कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर आप खुद उसका यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10 ऑटोबायोग्राफी हैं, 10 कोई फैक्ट हैं, उनमें से अगर 7 की ट्रिक है तो ठीक है, 3 आसानी से याद की जा सकती हैं। सबकी ट्रिक बनाना भी थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है, इसलिए सबकी ट्रिक ना भी बनाएं। मैं सबकी ट्रिक बता देता हूं, लेकिन आपको ज़रूरत है उसकी ट्रिक का इस्तेमाल करने की, जो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं उस ट्रिक का इस्तेमाल करें, और जिस चीज़ को आप बिना ट्रिक के लर्न रख सकते हैं उसमें ट्रिक को ज़बरदस्ती ना घुसाएं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। इनको ब्लैक गांधी भी कहते हैं, ब्लैक गांधी यानी ये जो थे साउथ अफ्रीका के थे और ये गांधी जी की तरह अहिंसावादी थे, इसलिए इन्हें ब्लैक गांधी कहते हैं। और ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इन्होंने फ्रीडम के लिए किया बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्होंने लिखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक। वीडियो से संबंधित सुझाव एवं परेशानियों को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल और ट्रिकी वीडियोज के लिए बने रह सकते हैं हमारे साथ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।